हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा एक फ्रेश व्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेन का मौसम शुरू हो गया है, तो रेनी सीजन बोल सकते हैं। वैसे तो सावन का महीना आया नहीं है, उससे पहले ही रेन शुरू हो गई और कितनी सुंदर रेन लग रही है। प्लांट्स कितने साफ सुथरे और सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बना लूं और आपको आज के डे के बारे में शेयरिंग करूं कि कैसा वेदर है। और तो रात से ही रेन स्टार्ट हो गई थी, तो ये देखिए अभी चली जा रही है। आई थिंक अभी चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ रेन के साथ चल रही है हल्की हल्की हवा। अब तो प्लांट्स वगैरह भी सारे देखें फ्रेश हो गए हैं। सारे बेचारे प्लांट्स सूखे मुरझाए हो गए थे, तो अब हरे हरे हो जाएंगे। ये देखिए तुलसी है, कितनी हरी हरी लग रही है, दिल कर रहा है सारी खा जाएं। मैं सुबह सुबह एक्चुअली ना तुलसी के पत्ते भी खाती हूँ। और आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे एक है कोयल, तो उसकी वॉइस यहाँ सुनती है, तो आपको भी सुनाती हूँ। वो सामने ट्री पे रहती है और कोयल की वॉइस सुननी बड़ी लकी होती है, आप भी सुने। तो यहाँ ये देखें, आसमान में अभी भी बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आज काफ़ी बारिश होगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया पंजाब में। तो फ्रेंड्स, पंछियों की ये नेचुरल सी वॉइस जो होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी कोयल थोड़ा साइलेंट मोड पे चली गई है, अभी दोबारा से बोलेगी, तो मैं आपको सुनाती हूँ उसकी वॉइस फिर से। तो यहाँ ये देखें, हमारे घर में लग गए हैं नींबू। अभी रेनी सीजन शुरू हो गया ना, तो इनमें भी ना रस भर जाएगा, बड़े टेस्टी और रसीले हो जाएंगे। मैं वेट कर रही हूँ कि अभी कोयल जो है वो बोले, कुकू करे, उसकी मीठी मीठी बोली आपको भी सुनाऊं। तो फ्रेंड्स, रेन आ रही थी, तो रेन को देखते हुए सबकी डिमांड पे मैंने यहाँ सुबह सुबह निकाल लिया है गुड़। तो हम बना लेंगे गुड़ के पूड़े, तो आपके साथ मैं शेयरिंग करती रहूँगी। गुड़ के पूड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ गुड़ जो था ना, उसको पानी में डाल के गैस पे अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसको बॉईल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी किरक होती है, किर किर की आवाज़ आती है ना ये। तो इसके बाद इसका हम ना मिक्सचर बनाएंगे और इसको छान लेंगे पानी को, ताकि सारी गंदगी जो है निकल जाए। तो यहाँ मैंने गुड़ के पानी को छान लिया था, अब हम इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है ये कनक का आटा, और कनक के आटे को इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखें, ऐसे हम जो है ये कनक का आटा थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और साथ साथ में इसको हम मिक्स करी जाएंगे। और एक बैटर सा तैयार कर लेंगे, तो मैं इसको मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या डालना है। तो ये देखें, ये कोयल फिर से बोलना शुरू होगी। ये कोयल सारा दिन हमारे यहाँ ऐसे ही बोलती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, जैसे नेचुरल सा कोई म्यूजिक चल रहा होता है ना, वैसे होता है। तो ये जो मैं गुड़ के पूड़े बना रही हूँ ना, इसकी वीडियो आप
मेरे सेकंड चैनल पुष्पिंदर की रसोई चैनल पे वॉच कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसकी फुल वीडियोस डाली हुई हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है कि कहीं जो ये मिक्सचर हम बना रहे हैं ज़्यादा गहरा भी ना हो जाए। तो मीठा हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी और जो है कनक का आटा पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आपने इसके साथ खीर बनानी है तो खीर भी बना सकते हो। ज़्यादातर इसके साथ खीर बनाई जाती है, जहाँ आम के अचार के साथ भी खाए जाते हैं। तो अपनी विश पे डिपेंड करते हैं, कई लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते। वैसे इसके साथ बनने वाली खीर जो होती है ना, उसमें चीनी कम डालते हैं, बिल्कुल फीकी फीकी खीर होती है वो। कूड़ा खीर जो होती है वो फीकी फीकी होती है, मीठी खीर नहीं होती वो। तो यहाँ ये देखें, मैंने ये बैटर जो है तैयार कर लिया है। अभी जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जाऊंगी, ये सारे जो गुठलियाँ सी बनी हैं ये टूट जाएंगी। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे तो कम से कम इसको जो है हम 2 घंटे रख छोड़ेंगे ऐसे। और एक चीज़ मैं इसमें डालूंगी, ये है सौंफ। तो सौंफ डाल देते हैं, उससे थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ये देखें, मैंने बना ली है खीर। तो खीर में मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट। वैसे तो पूड़ों के साथ जो खीर खाते हैं ना, उसमें चाहे ड्राई फ्रूट ना भी डाल लो तब भी टेस्टी लगती है। तो चलो खीर बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये जो मिक्सचर था ना, इसको हो गए हैं 3 से 4 घंटे भिगोए हुए। तो अब हम इसके बना लेते हैं पूड़े। तो यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक तवा रख लिया गैस पर। तो साथ में मैंने लिए ये बड़ा वाला कड़छी टाइप बर्तन, जिससे हम इस पर डालेंगे पूड़े। यहाँ ये देखें, मैंने पूड़े का मिक्सचर इस पर डाला है और इसको एक बार पलटा है। तो ये देखिए कितना अच्छा पतला पूड़ा बन रहा है। तो इसको ऐसे आराम से फिर से पलट देंगे। ये जो तवे पे पूड़े बनाते हैं ना गुड़ वाले, सावन के महीने में बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप मेरी वीडियो वॉच करके ना बना के ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये देखें, मैंने पूड़े को खीर के साथ सर्व किया है। साथ में मैंने रखा है ये मैंगो यानी आम का अचार। इसकी फुल वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड खीर की फुल वीडियो भी पुष्पिंदर की रसोई चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये थाली तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स बाय बाय टिल नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं अपने एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।